हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी बुकर। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी यम्मी टेस्टी बिरयानी, चिकन बिरयानी, वो भी मेरे स्टाइल में लेके आई हूँ। यहाँ मैं चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया। इसमें मैं दही, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक मिला करके आधे घंटे तक मैरिनेट करके रखा। यहाँ मैं बिरयानी राइस को 15 से 20 मिनट के लिए पानी में रखा है। फिर चावल से पानी अच्छी तरह से, यहाँ पहले से हम प्याज को डीप फ्राई करके निकाले हैं। अब पैन गर्म करने चढ़ाया है, उसमें ऑयल डाला है। गर्म होने तक हम उसे रखें। यहाँ मैंने जीरे, तेजपत्ते, ये सब का यूज नहीं किया है क्योंकि वो मैं पहले से करके रख चुकी थी। अब इसमें चावल डालें। उसे अच्छे से भूने। उसके अंदर का पानी जब तक सूख ना जाए, जब तक चावल ड्राई ना हो जाए तब तक रखें। फिर उसे निकाल लें। अब फिर से उसे गर्म करें, उसमें ऑयल डालें। यहाँ मैं चावल को फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब तेल में जीरा मिर्च डालें। इस बार मैं कुछ ज़्यादा चीज़ का यूज़ नहीं की हूँ, कम सामान में अच्छा टेस्टी बिरयानी बनाई हूँ। इसे वो मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल करके उसे मिलाएं। इससे तेल छूटने लगेगा, दही के वजह से ये और यम्मी टेस्टी दिख रहा है। मैं फूड कलर का यूज़ नहीं की हूँ, लेकिन बिना फूड कलर के ही बहुत ही यम्मी दिख रहा है। और जो वाजिब में बिरयानी का कलर होना चाहिए वो आ रहा है। चिकन बिरयानी में दही का यूज़ आप ज़रूर से ज़रूर करें। थोड़ी थोड़ी देर में उसे चलाएं। अब देखिए, यहाँ हम यहाँ चावल का लेयर डालना शुरू कर दिए हैं। देखिए कुछ इस तरह चावल का लेयर डाले। अब उसमें जो मैं पहले से रखी थी डीप ब्राउन करके प्याज, उसे डाली और फिर उसे धनिया के पत्ते से सजाया। अब इसमें नींबू का रस डालें, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिरयानी के लिए। फिर से दूसरा लेयर चढ़ाएं। दूसरे लेयर को भी अच्छे से सजाना है, ठीक पहले की तरह। अब इसमें मैंने पहले से ग्रेवी तैयार करके रखी थी, उस ग्रेवी को डाली। फिर उसके ऊपर से प्याज डाला। फिर अब धनिया के पत्ता डाला। फिर से नींबू डाला, ठीक पहले की तरह ही दूसरा लेयर तैयार किए हम। चार सौ ग्राम चावल डाला था मैंने, उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा देना। मैंने पहले से कम नमक डाला था, अब थोड़ा नमक और डालेंगे ताकि टेस्ट कम ना आए। टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें। डाल करके बंद करें और एक सीटी और 5 मिनट के लिए उसे
गैस को कम कर दें। फिर कुकर को खोलें। देखिए हमारे बिरयानी बनके तैयार है। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताएं कमेंट में कि कैसा लगा आपको। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।